दोस्तों जब भी हम अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप सबने देखा होगा किसी किसी वीडियो में तो अच्छे व्यूज आ जाते हैं लेकिन किसी किसी वीडियो में बहुत कम व्यूज आते हैं। तो जिस भी वीडियो में कम व्यूज आ रहे हैं उस वीडियो के व्यूज कैसे बढ़ाएं, वही सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करने के 3 घंटे बाद सिर्फ 2 सेटिंग करनी है अपने YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड में जाकर के, और इसके बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मैं देर ना करते हुए सीधा आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको। अब यहाँ पर देखो साइड में मेरी मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पर देखिए मेरा ये एक वीडियो है, अभी मैंने 5 घंटे पहले ही इस वीडियो को अपलोड किया है। अब यहाँ पर देखो इस वीडियो का पूरा एनालिटिक्स यहाँ पर इतने एरिया में दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे लास्ट के 10 वीडियो उसमें से इस वीडियो की जो परफॉर्मेंस वो नंबर 9 पे है, यही 9वें नंबर पर है पिछले 10 वीडियो में से। और व्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर 22 व्यूज आए और देखिए एरो यहाँ पर डाउनवर्ड लगा हुआ है। और इसके बाद देखा मैं इम्प्रेशन देखिए CTR तो यहाँ पर 7.5% लिखा हुआ और सही का टिक लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आई लिखा हुआ, इस आई पे हम एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है दिस वीडियो इज अपीलिंग टू स्मॉलर ऑडियंस देन यूजुअल बट योर क्लिक थ्रू रेट यानी CTR स्टिल लुकिंग गुड। यानी YouTube यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉर्मली जितने लोग आपकी वीडियो को देखते हैं उसमें से ये जो टॉपिक है कम लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो CTR है ठीक है, इतना मतलब CTR खराब नहीं है। तो यानी CTR तो हमारा ठीक है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर बता रहा है एवरेज व्यू ड्यूरेशन यहाँ पर 1 मिनट 43 सेकंड है और इसमें देखिए डार्क ग्रीन कलर से अपवर्ड एरो है, मतलब हमारे इस वीडियो का CTR भी ठीक है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी ठीक है, लेकिन व्यूज़ यहाँ पर कम आ रहे हैं। तो अब ये व्यूज़ कम आ रहे इसका क्या रीज़न है? तो इसके दोस्तों देखिए 2 रीज़न होती हैं। पहला यहाँ पर ये है, आपको करना क्या है, आपको अपना टाइटल चेंज करना है। जो अपने यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है तो यहाँ पर पेंसिल का बटन मिलेगा आपको, इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे, टाइटल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, अट्रैक्टिव टाइटल बनाइए। अगर आपको अट्रैक्टिव टाइटल बनाना नहीं आता है तो एक वीडियो में ऑलरेडी इस पर बना दिया है कि कैसे हम अट्रैक्टिव टाइटल बना सकते हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइटल चेंज करना है, उस वीडियो को देख करके आप टाइटल चेंज करना सीख सकते हो। और दूसरा ये जो थंबनेल यहाँ पर है इस थंबनेल को और अच्छा बनाना ताकि CTR आपका बढ़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को क्लिक करें और जब क्लिक करेंगे तो व्यूज आएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। YouTube खुद कह रहा है कि आपका कंटेंट जो है बहुत अच्छा है। ये नॉर्मली जो हमारा चैनल के वीडियो होते हैं वो 1 मिनट 18 सेकंड से 1 मिनट 39 सेकंड तक ही लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को 1 मिनट 43 सेकंड तक लोग देख रहे हैं, इसका कंटेंट अच्छा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, टाइटल और थंबनेल पर दिक्कत है, इस चीज़ को हमें फिक्स करना है। देखिए इस चैनल पर जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ वो 100% जेन्युइन होती है, इन सब चीज़ों को करने से आपके वीडियो के व्यूज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब करने के बाद मेरा वीडियो वायरल हो जाए या मिलियंस में व्यूज़ चले जाएँ, तो देखिए ये बड़ा मुश्किल काम है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत बेकार वीडियो होते हैं वो भी वायरल हो जाते हैं, तो उसमें लक बाई चांस की बात होती है, लेकिन किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा तभी आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।